नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर, ते पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को एक बहुत मजबूत फार्मा खेतर मौजूद अते सरकार उस नाल निरंतर नज़दीकी तालमेल बना के दवाइयां दी टुकवीं उपलब्धता नूं यकीनी बनाएगी। देश विच ऑक्सीजन अते दवाइयां दी उपलब्धता अते सप्लाई दी समीक्षा संबंधी उच्च पद्धरी मीटिंग दी प्रधानगी कीती। पीएम केयर्स फंड तो 3 अरब 22 करोड़ रुपए तो वध मुल दे डीआरडीओ वल्लों विकसित ऑक्सी केयर सिस्टम दे 1.5 लाख यूनिट खरीदन नूं परवानगी। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पंजाब समेत 7 सूबियां अते एक केंद्र शासित प्रदेश दे सेहत मंत्री नाल टीकाकरण मुहिम बारे चर्चा कीती। कहा सरकार देश विच वैक्सीन दे उत्पादन नूं वधाउण लई कंपनियां दा सहयोग कर रही है। भारतीय जल सेना मुखी एडमिरल करमबीर सिंह ने दस्या कि जल सेना वल्लों पहलां ही कई देशों तो तरल मैडिकल ऑक्सीजन लियाउण लई वड्डे पद्धर ते उपराले कीते जा रहे ने। समुंदर दे आस पास पैंदे पिंडां नूं गोद लै के सहायता देण दी पेशकश कीती। कोविड संकट नाल निजिठण लई भारत नूं 50 करोड़ डालर की सहायता देवेगा अमरीका। इंडिया स्पोरा दे संस्थापक एम आर रंगास्वामी ने कहा कि भारत हुण तक सब तो वड्डे संकट का सामना कर रहा है। सिद्धे टैक्सां बारे केंद्रीय बोर्ड ने 13 लाख तो वध टैक्स देण वालियां नूं 17,061 करोड़ रुपए तो वध दा रिफंड दिता। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विच ऑक्सीजन अते दवाइयां दी उपलब्धता अते सप्लाई दी समीक्षा संबंधी एक उच्च पदरी मीटिंग दी प्रधानगी कीती। मीटिंग दौरान उन्हां नूं दस्या गया कि सरकार कोविड दे टाकरे दे नाल नाल हाल ही विच इस नाल फैल रहे अखां दे इन्फेक्शन दे टाकरे लई वी लोड़ीदियां दवाइयां दी उपलब्धता यकीनी बनाउण वल ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नूं दस्या गया कि दवाइयां बनाउण वालियां कंपनियां नूं अपना उत्पादन वधाउण लई हलाशेरी दित्ती जा रही है अते इस लई उन्हां नूं सरकार वल्लों हर संभव सहयोग देण दे वी यतन कीते जा रहे ने। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री नूं मौजूदा समय विच जरूरी हरेक दवाई दे स्टॉक, मौजूदा उत्पादन अते लोड़ीदी फार्मास्यूटिकल समग्री दी उपलब्धता बारे वी विस्थार नाल दस्या गया। प्रधानमंत्री दे ध्यान विच लिआंदा गया कि पिछले कुछ हफ्तियां दौरान रेमडेसिविर समेत होरनां दवाइयां दे उत्पादन विच वी भारी वाधा दर्ज कीता गया है। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वल्लों एक बहुत मजबूत अते प्रभावशाली फार्मा खेतर उपलब्ध है। सरकार वल्लों फार्मा अधिकारियों नाल निरंतर नज़दीकी तालमेल कायम रखते हुए दवाइयां दी टुकवीं उपलब्धता नूं यकीनी बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश विच ऑक्सीजन की उपलब्धता अते सप्लाई की स्थिति का भी जायजा लिया। विचार वटांदरे दौरान यह गल सामने आई कि कोरोना वायरस की पहली लहर जदों सिखर ते सी तां उस वेले उपलब्ध ऑक्सीजन के मुकाबले मौजूदा समय विच देश विच 3 गुणा वध ऑक्सीजन उपलब्ध है। उन्होंने भारतीय हवाई फौज के जहाज़ों अते रेलवे की विशेष गड्डी राही ऑक्सीजन की सप्लाई लई कीते गए उपरालों बारे भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नूं देश विच लगाए जा रहे ऑक्सीजन कंसनट्रेटरां, नवें ऑक्सीजन सिलेंडरां दी खरीद दे नाल नाल पीएसए प्लांटां दी स्थिति बारे भी दस्या गया। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं वेले सिर सुझाए गए ढंगां नाल वेंटीलेटर दी वरतों करन अते मुश्किल पैण ते वेंटीलेटर निर्माता कंपनियां नाल राबता कायम करके सिखलाई अते होरनां तकनीकी मुद्दियां दा फौरी हल करन संबंधी सुझाव भी दिता। देश विच पीएम केयर्स फंड नाल ऑक्सी केयर सिस्टम दे 1.5 लाख तो यूनिट खरीदन नूं मंजूरी दित्ती गई है। रक्षा खोज अते विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ वल्लों इन्हां नूं विकसित कीता जाएगा। इस दे लई पीएम केयर्स फंड विचों 3 अरब 22 करोड़ रुपए तो वध दीआं रकमां खर्च कीतीआं जाणगीआं। ऑक्सीकेयर एक पीएसए आधारित ऑक्सीजन सप्लाई प्रणाली है जिहड़ी मरीजां नूं दित्ती जाण वाली ऑक्सीजन नूं कंट्रोल करदी है। इस तहत 1 लाख मैनुअल अते 50,000 ऑटोमैटिक ऑक्सीजन सिस्टम खरीदे जाणगे जिन्हां नाल लोड़ीदे मास्क भी खरीदे जाणगे। ऑक्सीकेयर सिस्टम मरीज़ तक लोड़ीदी ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई नूं यकीनी बनाउंदा है अते उसनूं हाइपोक्सिया की स्थिति तो बचाउंदा है। हाइपोक्सिया की स्थिति मरीज़ लई जानलेवा साबित हो सकती है।
इस प्रणाली का विकास DRDO की बंगलुरु विच पैंदी डिफेंस बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग अते इलैक्ट्रोमैडिकल लैबोरेटरी वालों किया गया है। ये प्रणाली वधेरे उचाई वाले खेतरां विच तैनात फौजियों लई विकसित की जाती है। पूरी तरह नाल स्वदेशी ढंग नाल विकसित यह प्रणाली सुखाले ढंग नाल वर्तन योग अते बहुत ही लाभदायक है। इस नूं कोविड मरीजों के इलाज लई असरदार ढंग नाल वरतों विच लिआंदा जा रहा है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड 19 टीकाकरण मुहिम का जायजा लैण लई पंजाब समेत 7 सूबे अते 1 केंद्र शासित प्रदेश के सेहत मंत्री नाल विचार वटांदरा किया। इन्हां विच उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना अते जम्मू कश्मीर शामिल ने। मीटिंग दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन वल्लों टीकाकरण मुहिम नूं तेज़ करन लई चुके जाण वाले कदमां बारे विचार वटांदरा किया गया। मीटिंग दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने दस्सिया कि हुण तक देश विच 17,70,00,000 तों वध लाभपात्रियां नूं कोविड टीके दीआं खुराकां दित्तीआं जा चुकीआं ने। उन्हां सूबिआं अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं इह यकीनी बनाउण लई कहा कि जिहड़े लाभपात्रियां ने पहली खुराक हासिल कर ली है उन्हां नूं दूजी खुराक तरजीह दे आधार ते दित्ती जावे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार देश विच वैक्सीन दे उत्पादन नूं वधाउण लई कंपनियां दा सहयोग कर रही है। भारतीय जल सेना मुखी एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा है कि जल सेना वालों कई सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल अधिकारियों को कोरोना वायरस नाल निजिठण लई सहायता दी जा रही है। भारतीय जल सेना के अधिकारियों, कर्मचारियों, साबका फौजियों और होरना इस मुश्किल की घड़ी में एकजुट होकर काम करने का सुनेहा दिंदिया एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा कि यह देश की आज़ादी तो बाद की सब तो वड्डी मनुखी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जल सेना दी सारी इकाइयां कौमी पद्धर ते कीते जा रहे उपरालों का समर्थन मोढ़े नाल मोढ़ा रला के कर रही हैं। करमबीर सिंह ने कहा कि पेंडू खेतरां विच कोविड 19 दे फैलाव दी खबरां वधेरे सुनन नूं मिल रही ने। उन्होंने जल सेना दी इकाइयां वालों पिंडां नूं गोद लैके सहायता देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि जल सेना वालों सिविल वरतों लई 111 ICU बैडां की शनाखत की गई है। इस तों इलावा अजिहियां सहूलतां वाले 450 होर ICU बैड विकसित करन दे उपराले कीते जा रहे ने। समुंदर के आसपास पैंदे कोविड हस्पतालों में जल सेना के 200 तो वध कर्मचारी अपनी सेवावां दे रहे हैं। जल सेना मुखी ने कहा कि देश नूं अपनियां हथियारबंद फौजां ते पूरा भरोसा है अते मुश्किल दी इस घड़ी विच साडा फर्ज बनता है कि असी आम नागरिकां दीआं आसां ते उम्मीदां ते खरे उतरीए। एडमिरल करमबीर सिंह ने दस्सिया कि जल सेना वालों पहलां ही कई देशों तों तरल मैडिकल ऑक्सीजन लियाउण लई वड्डे पद्धर ते ऑपरेशन शुरू कर दिते गए ने। अमरीका का कहना है कि उस वालों कोरोना की दूजी लहर नाल निजिठण लई भारत की हर संभव सहायता की जाएगी। व्हाइट हाउस विच विदेश विभाग के बुलारे प्राइस ने पत्रकारां नूं दस्सिया कि अमरीका सरकार वालों भारत नूं हुण तक 10 करोड़ डॉलर कीमत की सहायता समगरी मुहैया करवाई जा चुकी है। इस तों इलावा निजी खेतर वालों 4 करोड़ डॉलर कीमत की होर सहायता समगरी भारत के सहयोग लई दित्ती गई है। प्राइस ने कहा कि अमरीकी सरकार भारतीय अधिकारियों अते सेहत माहरां नाल मिल के लोड़ वाले खेतरां की शनाखत कर रही है ता जो मौजूदा संकट का हल लभण के नाल नाल भविख विच पैण वालियां जरूरतां नूं भी पछाणिया जा सके। इस तों पहलां अमरीका के उगे सैनेटर मार्क वार्नर ने भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू नाल फोन ते गलबात की अते इस मुश्किल की घड़ी विच भारत नूं हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिवाया। वार्नर अमरीकी सैनेट की इंटैलीजेंस कमेटी के मुखी ने। इस दौरान अमरीका तो रेमडेसिविर दीआं 78,000 खुराकां भारत पुज गई ने अते होर मदद भी छेती ही भेजी जा रही है। इस दौरान भारतीय अमरीकी जन हितैषी अते इंडिया स्पोरा दे संस्थापक MR रंगासामी ने कहा है कि भारत हुण तक दे सब तो बुरे संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने प्रवासी भाईचारे के लोगों नूं अपील की है कि वह भारत विच अपने परिवारां अते दोस्तां दी सहायता लई अगे आउण। सीधे टैक्सों बारे केंद्रीय बोर्ड यानी कि CBDT ने इस साल 1 अप्रैल तो 10 मई दरमियान 13,00,000 तो वध टैक्स देने वालों नूं रिफंड राही 17,061 करोड़ रुपए तो वध दीआं रकमां वापस कीतीआं ने। आमदन कर विभाग वालों 12,71,000 तो वध मामलों में टैक्स भरन वालों नूं 5,575 करोड़ रुपए दीआं रकमां जारी कीतीआं गईआं ने। इस तों इलावा कंपनी टैक्स रिफंड के संबंध में 29,592 मामलों में 11,486 करोड़ रुपए रिफंड किए गए हैं। तो इस दे नाल ही खबरां दे बुलेटिन समाप्त होंदा है। नमस्कार।